गुड इवनिंग बच्चों, संसार पर क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.4। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 10.4 में प्रश्न नंबर एक में कहा गया है मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टों में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कितना लिखा गया है, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, तो देखिए भाई हमें करना क्या है, हमें या तो पहले वाले मान को बदल देना है या दूसरे वाले को, यानी दो में से किसी एक को बदलना है और नीचे वाले में दो में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे वाले को बदलते हैं। तो इसे हम वैसा का वैसा लिख कर रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 से कितना घटा दिया जाए कि 27 आ जाए, यानी हम कितना घटा दें, 63। ठीक है, 63 अंश हमने घटा दिया। और ऐसे ही इसमें भी करना है, तो हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर 90 से हम कितना घटा दें कि 17 आ जाए, यानी माइनस हम कितना घटा देंगे, 63 घटा देंगे। ठीक है, और प्लस इसको हम वैसा का वैसा लिख कर रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 17 है, यहाँ पर हम क्या घटाएंगे, 73 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 73। तो अब देखिए हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, हमने आपको पूरा चतुर्थांश एक एक करके समझाया था कि 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर लगा देंगे, कितना है, 63 अंश बाई, यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है, अब वो फार्मूला कौन सा है, उस फार्मूले को हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला यूज हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर सेम टू सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 बटे 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, केवल 4 लाइन का था। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तो दूसरा भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। ठीक है, तो देखिए इन दो में से किसी योग को चेंज करना है और इन दो में से भी किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें कॉस को चेंज करेंगे और इसमें साइन को चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 से कितना घटा दें कि 65 आ जाए, 25 घटा देंगे कितना, 25 घटा देंगे 25 अंश, तो 65 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 25 और यहाँ से हो जाएगा साइन 90 से कितना घटा दें 65 आ जाए, 25 घटा देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 25 अंश कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना है, 25 प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, साइन 25 यानी हो जाएगा
साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कास स्क्वायर 25 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही फार्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, और चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर दो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर दो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में इस तरह 8 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, और हमने इस समय 2 पार्ट हमने लिखे हैं और एक एक करके बारी बारी से हम सारे पार्टों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में कहा गया है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध कीजिए, यानी हमें क्या करना है, LHS लेके RHS को या RHS लेके LHS को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस काट थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम LHS पार्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कासेक थीटा माइनस कार्ट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि कासेक थीटा को हम 1/ साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कार्ट थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर आपने इसके पहली वाली अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों उस वीडियो को देख लीजिए, हमने ये सारे फार्मूले वहाँ पर लिखा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, यानी एलसीएम कितना है, साइन थीटा। तो ऊपर जैसे का तैसा हम इसे लिख देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, यानी इसके लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम क्या करेंगे, देखिए हम एक में भी स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा, देखिए यहाँ पर इस फार्मूले को हम लिख दे रहा है। ठीक है, इस जगह पर इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो हम एक कोष्टक में धन के साथ लिख देंगे 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर केवल एक बार रहेगा, ठीक है, और 1 माइनस कास थीटा। तो देखिए यहाँ से एक घात कट जाएगी, ये, और यहाँ से इसकी एक घात। ठीक है, तो देखिए क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस कास थीटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, तो देखिए हमें इसी को प्रूफ करना था, तो ये आ चुका है, लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए हम दूसरे सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए LHS पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, इसे लिख देंगे कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए। ठीक है, तो देखिए दोनों में हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। कास ए का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए
प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो वन प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक फार्मूला खोलेंगे, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर हम करेंगे क्या आएगा, एक आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस टू, ए हो जाएगा एक और बी हो जाएगा कितना, साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस साइन को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन ए, साइन ए बाई वन प्लस साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वन प्लस, ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन ए बाई हो जाएगा वन प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आगे देखिए, एक एक कितना हो गया, दो प्लस दो साइन ए बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आगे देखिए, बस आने ही वाला है, देखिए दो हम कॉमन कर लेंगे, दो जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर बन जाए, बच जाएगा वन प्लस, ये हो जाएगा साइन ए बाई, ये हो जाएगा वन प्लस, क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू, ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो ये वाला तो पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, कितना बच गया, दो बटे कॉस ए। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, दो, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए। देखिए हमें इसी को सिद्ध करना था और हमने इसे क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो देखिए आपका पहला और दूसरा पार्ट साल हुआ। ठीक है, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर दो का तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है टैन अल्फा बटे वन माइनस काट अल्फा प्लस काट अल्फा बटे वन माइनस टैन अल्फा बराबर वन प्लस सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एल एच एस पार्ट लेंगे। एल एच एस क्या दिया गया है, टैन अल्फा बटे वन माइनस काट अल्फा प्लस काट अल्फा वन माइनस टैन अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बो टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बटे वन माइनस, इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस काट अल्फा को लिखेंगे कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा और ये हो जाएगा वन माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का वैसा ही लिखा रहेगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस,
इसमें भी वैसे का वैसा ही करेंगे, कास अल्फा बटे साइन अल्फा, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, कास अल्फा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब आपको पता है कि बीच वाले का गुणा बीच वाले में करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले का गुणा हम नीचे वाले में कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा कास अल्फा, और साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, प्लस ये ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा बटी, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक काम क्या करेंगे, अगर हमें इसे कॉमन करना है तो इसको इसके जैसा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। चलिए माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कास कास अल्फा और साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बटे, देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, प्लस का माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। तो एक काम करना है, देखिए कॉमन मिल रहा, इसे हम कॉमन कर लेंगे, यानी एक बटे साइन अल्फा माइनस कास अल्फा कॉमन कर लेंगे। ठीक है, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे बच जाएगा कास अल्फा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा बटे, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बटे साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, तो साइन के इधर जुड़े गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, कास के इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास क्यूब अल्फा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम एक काम क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला यहाँ पर देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लग रहा है फार्मूला, और आपको पता है छः कक्षा छः से आठ तक ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, पहले कोष्टक में ए माइनस बी यानी साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, और माइनस का है तो क्या हो जाता है, प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये तो कट जाएगा, ये कट गया, और आपको पता है ये इतना मान किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक के बराबर, प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या करेंगे,
इसके साथ भी बटे में हो जाएगा, इसके साथ भी बटे में हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं एक बटे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक बचेगा। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये तो एक बच गया, इसको हमने पहले लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बटे साइन अल्फा गुणे एक बटे कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया एक प्लस साइन, एक बटे साइन अल्फा को हम क्या कहते हैं, कॉसेक अल्फा, और एक बटे कॉस अल्फा को क्या कहते हैं, सेक अल्फा। तो देखिए जैसे यह लिखा वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, पहले सेक अल्फा लिख देंगे, सेक अल्फा इंटू एक बटे साइन, ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर दो का क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर दो का चौथा पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले LHS पार्ट लेके इसे सॉल्व करेंगे। LHS बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, वन प्लस सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटे कॉस ए, इसी तरह इसका भी हम व्युत्क्रम लिख देंगे एक बटे कॉस ए। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, और वन प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए बटे में क्या बचा है, एक बचा है, तो एक हम लिख सकते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर अंश व हर में लिखेंगे, अंश व हर में वन माइनस कॉस ए से गुणा गुणा करने पर। ठीक है, चलिए हम गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए बाई वन, तो देखिए रहेगा कोई दिक्कत नहीं उससे, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे वन माइनस कॉस ए से, और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे वन माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, एक कोष्टक में धन का है और एक कोष्टक में ऋण का, सेम टू सेम। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, और बाई यहाँ पर गुणा करेंगे तो वन माइनस हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए दो का आप स्क्वायर करेंगे तो एक ही तो आएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे वन माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, देखिए हमें इसी को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर दो का पार्ट पांचवा। पांचवा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन पांच। पांचवा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉसेक ए प्लस काटे, ये सिद्ध करना है। ठीक है,
तो चलिए हम LHS पार्ट लेके इसे हम सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कितना दिया गया है, दिया गया है cos A माइनस साइन A प्लस वन बटे cos A प्लस साइन A माइनस वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो देखिए इसे हम इतने को क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, ठीक है, और इसे एक को हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, ठीक है, और इसी का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos A प्लस साइन A, और यहाँ पर देखिए इसको तो हमने क्या माना है, A माना है, और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस वन कर देंगे, इसी का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे भी हमने गुणा कर दिया, ऊपर भी हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, cos A प्लस साइन A प्लस का वन, ठीक है। यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या, बस कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को सभी का गुणा करा देना, ठीक है। तो cos A का cos A के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A, cos A का साइन के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन A इंटू cos A प्लस cos A का एक के साथ गुणा हो जाएगा cos A, ठीक है। अब माइनस साइन A का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस का साइन A इंटू cos A, माइनस साइन A का साइन A के साथ हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर A, और साइन A का एक के साथ हो जाएगा माइनस का साइन A, और उसके बाद एक का हम पूरे में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का cos A प्लस का साइन A प्लस वन, ठीक है। देखिए थोड़ा गुणा करना बड़ा है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि आपको ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फार्मूला बन गया कौन सा, क्योंकि हमने इतने को A माना है, ठीक है, इसको हमने क्या माना है, A माना है, और एक को B माना, तो इसमें माइनस के साथ है और इसमें क्या है, प्लस के साथ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा सा कोष्टक हम और लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए इस जगह पर। अब आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें एक बार माइनस का है, एक बार प्लस का, यानी ए स्क्वायर, यानी cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है। इसे चाहें तो आप बिल्कुल बीचों बीच लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं इससे, ठीक है। तो देखिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर कटते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो देखिए ये पूरा का पूरा प्लस का और ये पूरा माइनस का, ठीक है, उसके बाद ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है cos स्क्वायर A, उसके बाद क्या बचा है, cos A यानी बच गए 2 cos A, ठीक है। ये प्लस का 1 बचा हुआ है, तो प्लस 1, और ये हो जाएगा कितना, sin स्क्वायर A, ठीक है। और बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर A, उसके बाद प्लस टू, A हो जाएगा cos A और B हो जाएगा साइन A, और उसके बाद
वन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वन ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात थोड़ा सा गौर दीजिए, इस जगह पर इतना, ये किसके बराबर होगा? आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई, यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर होगा, एक के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ए प्लस टू कॉस इंटू साइन ए माइनस का वन, ठीक है। तो आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितने हो गए, टू कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए बाई, ये प्लस और माइनस कट जाएंगे तो बच जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, क्या कॉमन है, टू कॉस ए कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या कॉस ए, ये बच जाएगा कॉस ए और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का वन, ठीक है। और बाई में कितना बच रहा, टू कॉस ए इंटू साइन ए, तो टू कॉस से टू कॉस ए कट गया, क्या बच गया, यहाँ पर बच चुका है कॉस ए प्लस वन और बाई साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए प्लस एक बटे साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है, काट ए, काट ए प्लस एक बटे साइन को हम क्या ले सकते हैं, कॉस एक ए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कॉस एक पहले लिखा है, काट बाद में लिखा है, तो हम कॉस एक को पहले लिख लेंगे, ठीक है। कॉस एक ए प्लस काट ए, ठीक है। देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, आपका पांचवा पार्ट सॉल्व हो गया, अब छठवां पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों छठवां पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो का छठवें पार्ट में कहा गया है अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे एलएचएस पार्ट लेके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी रूट के अंदर हम हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए करते हर का परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है तो बीच में कर देंगे प्लस, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं, और वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम दो हो गए, तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला बन गया एक बार माइनस का एक बार प्लस का, यानी होता है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लाइन थोड़ा आराम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर अंदर दो है, मतलब कि वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएगा, यानी वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो एक बटे कास को व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, और साइन बटे कास क्या होता है टैन थीटा। ठीक है, देखिए हमें इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, चलिए हम सॉल्व करते हैं पार्ट सातवां। आइए बच्चों सातवां पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सातवां पार्ट में कहा गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर एक बटे टैन ए प्लस काट ए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एल एच एस पार्ट लेंगे। एल एच एस क्या लिखा गया है, लिखा गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं एक बटे साइन ए, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ए, सेक ए को एक बटे कॉस ए, और माइनस का हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसमें हम ले लेंगे एलसीएम, उसके बाद एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद इसमें एलसीएम कॉस ए होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बाई कितना आ जाएगा साइन ए। ठीक है, क्या आ जाएगा साइन ए गुणे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कितना आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा, साइन ए से एक साइन कट जाएगा, और ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया कॉस ए गुणे साइन ए, और बटे में क्या बच गया एक, बटे में क्या बच गया एक बच गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसे हम एल एच एस इसी यहीं पर रख सकते हैं, आर एच एस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए बटे एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इधर देखिए इन दोनों संख्याओं को हम नीचे बटे मिलाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा एक बाई यहाँ पर क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों नीचे चले आएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो तो देखिए क्या करना है, ये नीचे ये ऊपर भी तो जा सकते हैं, और ऊपर से तो हमने नीचे ले आए। ठीक है, कोई समस्या नहीं उससे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम अलग अलग लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ए, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए एक साइन से हम एक साइन काट देंगे, एक कॉस से हम एक कॉस काट देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा एक बटे, यहाँ पर बच जाएगा साइन बटे कॉस ए, और यहाँ पर बच जाएगा कॉस बटे साइन ए। ठीक है,
अब आगे देखिए, एक बटे साइन बटे कास क्या होता है, टैन ए, और कास बटे साइन क्या होता है, काट ए, काट ए। देखिए हमें इसी को प्रूफ करना था और हमने इसको क्या किया, सिद्ध किया। तो लिखेंगे सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर दो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आठवां पार्ट, काट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल लिखा है वो इस्तेमाल करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाई वन प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये ना पता हो क्या कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है एक बटे कास थीटा और कासेक थीटा का एक बटे साइन थीटा, ठीक है। ये हमने आपको लिखा चुके हैं पिछली क्लास में, आप पिछली क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे कास स्क्वायर लगा स्क्वायर ए और एक बटे साइन स्क्वायर ए, बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ, ऊपर वाले का नीचे साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए, और साइन बटे कास क्या बन जाता है, टैन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए एक को हमने सॉल्व किया, ठीक है, एक सिद्ध हो गया। अब इसको देखते हैं, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लें, वन माइनस टैन ए, वन माइनस काट ए, वन माइनस काट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे वन माइनस टैन को एक बटे क्या लिख देंगे, काट ए, ठीक है, क्या लिख देंगे, काट ए बाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, या तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम वैसे का वैसा लिखा रहने दें, ठीक है, इसे बदल देते हैं, वन माइनस काट को हम क्या लिखेंगे, एक बटे टैन ए, ऊपर से हम लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा वन माइनस टैन ए, और नीचे हमने एलसीएम क्या लिया है, टैन ए, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और वन माइनस टैन ए बाई, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस कामन कर लेंगे, माइनस कामन कर दिए, बन जाएगा वन माइनस टैन ए, और देखिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा टैन ए, और ऊपर से कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये तो जाएगा कट, ठीक है। क्या बच चुका है, नीचे माइनस और ऊपर टैन, यानी माइनस का टैन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा टैन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए दोनों को हमने टैन ए के बराबर सिद्ध किया, ठीक है, और आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर एक से लेकर आठ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों।